हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिटिंग नाइफ। फ्रेंड्स देखिए, आज हम ये बहुत ही प्यारा सा ओवरलैपिंग लीफ पैटर्न बनाने जा रहे हैं। ये देखिए, आधी पत्ती दिखाई देगी इसमें आपको, और ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है। ओपन वर्क पैटर्न है, पार्शियल ओपन वर्क, थोड़ा सा आपको जाली दिखाई देगी, बाकी प्लेन है। तो इससे आप स्टॉल, शॉल, मफलर, बेबी ब्लैंकेट या अपना कार्डिगन कुछ भी इससे बना सकते हैं, कुशन्स बना सकते हैं। तो बैक साइड से इस तरह से दिखाई देता है। देखिए, इसके लिए किस हिसाब से हमने फंदे लेने हैं। दो तरह के लीव्स बनेंगे, एक हमारा स्टॉकिनेट स्टिच पे, यानी कि इस तरफ से सीधा, उस तरफ से उल्टा, और एक हमारा गार्टर स्टिच पे बनेगा, जिसमें हमने इस तरफ से तो उल्टा बुनना है और बैक साइड से भी उल्टा बुनना है। तो अब एक लीफ जो है वो 14 फंदों का है, ये भी 14 फंदों का है, बीच में हमने 2 फंदों का, ये देखिए, गैप दिया है ये। तो 16-16 फंदों के मल्टीपल में हमने ये बनाया है, लेकिन क्योंकि हमने 2 लीव्स बनाने हैं, 16 और 16, तो हमने 32 के मल्टीपल फंदे लेने हैं और 4 फंदे एक्स्ट्रा लेने हैं, मल्टीपल ऑफ 32 प्लस 4। तो चलिए इसे बनाना अब हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने 32 और 4 36 फंदे लिए हैं, 36 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं। रो 1 राइट साइड, पहली सिलाई सीधी तरफ से, पहला फंदा सीधा बुनेंगे, फिर 2 फंदे उल्टे आएंगे हमारे, पर्ल 2। अब पत्ती के 14 फंदे जो हैं वो हम सीधे बुनेंगे, नेट 14, 14 फंदे सीधे आ जाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12, 13 and 14। तो ये हमने 14 फंदे सीधे बुन लिए। अब फिर 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, पर्ल 2। अब जो हमारा गार्टर स्टिच वाला लीफ है, देखिए उसको हमने कैसे बनाना है। ये देखिए, लीफ में हमने, ताकि ये उभर कर आए हमारा गार्टर स्टिच, तो हमने पहला और जो लास्ट फंदा है वो सीधा बुनना है इसमें, जो पहला और लास्ट फंदा, और बीच के 12 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। तो एक फंदा सीधा, 12 उल्टे, एक सीधा, इस तरह से बुनेंगे इन 14 फंदों को, निट 1, पर्ल 12, निट 1। तो पहले ये 12 फंदे उल्टे बुन लेते हैं, पर्ल दीज 12 स्टिचेस। ये हमने 12 फंदे उल्टे बुन लिए। अब एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, निट 1, फिर लास्ट के 2 फंदे उल्टे और एक सीधा, पर 2 एंड इट द एड स्टिच। ऐसे हमने ये रो 1 कंप्लीट की। अब रो 2 रॉन्ग साइड जो बुनेंगे हम, ये हमने हर रॉन्ग साइड की रो ऐसे ही बुनी है जैसे हम रो 2 बुनेंगे, तो इसलिए मैं आपको एक ही सिलाई दिखाऊंगी। वर्क रो 2 एंड ऑल द रॉन्ग साइड रोज इन अ सिमिलर वे। देखिए, पहले फंदे को स्लिप किया, 2 फंदे सीधे, निट 2। अब ये वाले 14 फंदे उल्टे आएंगे, पर्ल दीज 14 स्टिचेस। तो ऐसे अब हम हर छठा फंदा बढ़ाते जाएंगे, तो हमारे जो है 20 फंदे टोटल बढ़ जाएंगे इस रो में। कीप इंक्रीजिंग एवरी 6 स्टिच इन दिस रो, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14। तो ये 14 फंदे हमने उल्टे बुने, अब फिर 2 सीधे और 14 उल्टे। तो उल्टी तरफ से हमने यही बुनना है, 14 उल्टे 2 सीधे, 14 उल्टे 2 सीधे, पर्ल 14, निट 2, कीप रिपीटिंग। तो ऐसे हम ये वाली रो पूरी कंप्लीट कर लेंगे बनाकर। इसे थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमने 14 फंदे उल्टे बुन लिए। अब लास्ट के 2 फंदे सीधे, नेट लास्ट 2 स्टिचेस एंड पर्ल द एड स्टिच। एड स्टिच को उल्टा बुन लेंगे। हमने हर रॉन्ग साइड रो ऐसे ही बनानी है। अब देखिए, थर्ड रो तीसरी सिलाई, इसे हम रो 1 की तरह बनाएंगे। वर्क रो 3 एग्जैक्टली एज रो 1। तो ये हम सिलाई ऐसे बुन लेंगे और उल्टी सिलाई हमने जैसे उल्टी बुनी थी वैसे बुनेंगे। तो हमने रो 4 को रो 2 की तरह और रो 1 को रो
रो थ्री को रो फर्स्ट की तरह बुनकर कंप्लीट कर लेना है। वर्क रोज थ्री एंड फोर जस्ट लाइक रोज वन एंड टू रिस्पेक्टिवली। तो हमने देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से फोर रोज कंप्लीट कर ली हैं। अब फिफ्थ रो, पांचवी सिलाई, पहले फंदे को स्लिप किया, ये दो फंदे तो उल्टे बनेंगे पर टू। अब यहाँ पे हमने एक जाली बनानी है, इस तरह से धागा घुमाएंगे क्योंकि अगला फंदा हमने सीधा बुनना है। ये ध्यान से देखिएगा, एक जाली बनाई, एक फंदा बनाया, तो ये एक फंदा हमारा बढ़ गया। अब एक जाली हम इस तरह से, अभी हम एक जाली ऐसे और बनाएंगे और अगले हमने तीन फंदों का एक कर देना है क्योंकि हमने दो फंदे बढ़ाए, एक जाली और तीन का एक करेंगे तो ये दो फंदे जो हमने बढ़ाए हैं वो आपके यहाँ पे कम हो जाएंगे इस तरह से। तो ये दो जालियाँ बन जाएंगी और ये तीन का एक। अब बाकी के फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं, जो 14 फंदे थे उसमें से दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ और 10। 10 फंदे ये सीधे आ जाएंगे, ये देखिए। अब दो फंदे उल्टे, ये हमने निट थ्री टुगेदर, निट 10 ऐसे बुना। अब दो फंदे उल्टे पर्ल टू। अब फिर यहाँ पे एक जाली बनाएंगे इस एक फंदे को, ये देखिए जो सीधा फंदा था इसको हम सीधा बुनेंगे, फिर ऐसे जाली बनाएंगे और ऐसे धागा आगे लाके जाली बनाएंगे और ये जो तीन फंदे हैं इनका तीन का हम फिर से इस तरह से एक कर देंगे, निट थ्री टुगेदर टू बैक लूप। बाकी के फंदे इसमें हम उल्टे बुन लेंगे, पर्ल 9, 9 फंदे उल्टे आएंगे क्योंकि एक फंदा हमारा सीधा आना है 10 में से, पर्ल 9 निट 1। तो ऐसे हम फिफ्थ रो ये कंप्लीट कर लेंगे। यही हमने बार बार रिपीट करना है, कीप रिपीटिंग दीज 32 स्टिचेस। ये देखिए, एक फंदा सीधा, फिर दो उल्टे और एक सीधा। तो ये हमने फिफ्थ रो कंप्लीट कर ली, ये हम बार बार रिपीट करते जाएंगे, लास्ट में एक फंदा हम सीधा बुन लेंगे। अब हमने रॉन्ग साइड की रोज जैसे बनाई थी वैसे ही बनानी है, वर्क दिस रॉन्ग साइड रो। अब देखिए सेवेंथ रो, सातवीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप किया, दो फंदे उल्टे बुनेंगे पर टू, ये हमारे हर बार उल्टे ही आएंगे। अब देखिए धागा पीछे ले जाएंगे, ये जो जाली वाला फंदा था इसे हम सीधा बुनेंगे निट 1, फिर धागा आगे लाके यहाँ जाली बनाएंगे और इस फंदे को सीधा बुनेंगे। अब हमारा ये फंदा उल्टा आना है फ्रेंड्स, क्योंकि अब ये जो उल्टे फंदे थे अब ये यहाँ हमारे इस तरफ से शुरू होंगे। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, अब हम ये चीज़ बना रहे हैं, ये जाली बनाने के बाद अब ये उल्टे फंदे यहाँ से शुरू होंगे और एक एक फंदा, इस तरफ का एक फंदा तो सीधा आएगा और इस तरफ जो हम तीन का एक कर रहे थे वो फंदा चलेगा। तो उस हिसाब से अब हमने देखिए क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप, ये हमने दो फंदे उल्टे बुने, उसके बाद हमने एक फंदा ये जाली वाला सीधा बुना, फिर जाली बनाई, फिर एक फंदा सीधा बुना। अब इस तरह से घुमाकर जाली बनाएंगे और इस जाली वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे, फिर इन तीन फंदों का एक करेंगे, थ्री टुगेदर थ्रू बैक लूप। अब आठ फंदे हमारे सीधे आ जाएंगे, अब आठ रह गए होंगे 10 में से, निट 8। फिर दो फंदे उल्टे पर्ल टू, फिर ये देखिए ये जाली वाला फंदा सीधा। अब यहां पे हम उल्टे नहीं बुनेंगे, ये यहाँ पे हमने ये उल्टे यहाँ किए हैं, अब ये सीधे फंदे इधर आएंगे। तो यानी कि हमने ये एक फंदा सीधा बुना, धागा आगे लाके जाली बनाए, फिर एक फंदा सीधा बुना, फिर से धागा आगे लाके जाली बनाएंगे और इस एक फंदे को भी सीधा ही बुनेंगे। उस तरफ हमने इस एक फंदे को उल्टा बुना था, इस तरफ हम इसे भी सीधा ही बुनेंगे और अगले हमने फिर से तीन फंदों का एक करना है, निट थ्री टुगेदर, पर इस तरह से घुमा कर हम बैक लूप से तीन का एक करेंगे यूँ। अब सात फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा,
पर्ल 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर एक सीधा, और इस तरह से हम ये रिपीट करते जाएंगे, कीप रिपीटिंग, लास्ट में दो फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा। अब देखिए फिर से रॉन्ग साइड से हम बना लेंगे, वर्क द रॉन्ग साइड। तो ये हमने रॉन्ग साइड बुन ली है। फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात मैं रिपीट करना चाहूँगी, हमने आगे से चाहे फंदों को जैसे मर्जी बुना हो, लेकिन हमने रॉन्ग साइड से एक ही पैटर्न में बुनना है। ये दो फंदे सीधे आएंगे हमारे हर बार, ये जो गैप के हैं, और बीच के फंदे हमारे उल्टे ही आएंगे, चाहे इस तरफ से उन्हें हमने सीधा बुना है चाहे उल्टा बुना है, इस तरफ से हमारे ये 14 फंदे जो है वो उल्टे ही आएंगे। अब देखिए रो 9th, 9वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप किया, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, पर्ल 2। अब हमने देखिए इस बात का ध्यान रखना है कि जो ये एक फंदा है बीच वाला, इसके आगे और पीछे ही जाली बनानी है। अब फिर हम क्या करेंगे, इस एक फंदे को सीधा बुनेंगे, ये देखिए ये एक साइड का फंदा सीधा आएगा। अब इस फंदे को उल्टा बुनेंगे दूसरे को, फिर यहाँ पे ऐसे जाली बनाएंगे घुमाकर, इस फंदे को सीधा बुनेंगे, और फिर ऐसे जाली बनाएंगे घुमाकर, और इस फंदे को उल्टा बुनेंगे, अगला फंदा भी उल्टा आएगा। तो बस यही आपने ध्यान रखना है कि ये एक फंदा जो है ये सीधा चलेगा, और फिर ये उल्टे होते जाएंगे फंदे, और इस एक बीच वाले फंदे के दोनों तरफ जाली बनती जाएगी, इस तरफ भी उल्टे आएंगे फंदे। फिर यहाँ पे 3 का 1 करेंगे, फिर से नीट ट्री टुगेदर, तो ये पैटर्न सेम ही चलता जाएगा। अब ये देखिए अब ये हमारे 6 फंदे रह गए होंगे जिन्हें हम सीधा बुन लेंगे, नीट 6। तो ये दो दो फंदे हमारे जो सीधे हैं ये हर बार कम होते जाएंगे, क्योंकि हम 3 का जब 1 कर रहे हैं तो 2 फंदे हमारे यहाँ पे कम हो रहे हैं। तो ऐसे हम इसे बुनेंगे, फिर ये दो फंदे उल्टे आएंगे, फिर ये देखिए ये फंदे दो सीधे आएंगे इस बार, यहाँ पे हमने उल्टे नहीं बुनने हैं। तो हम धागा आगे लाके नॉर्मल जाली बना लेंगे, फिर इस फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लाके नॉर्मल जाली बनाएंगे, और इन दो फंदों को सीधा बुनेंगे, ये देखिए, और इस फंदे को हमने 3 का 1 करते हुए बुनना है, इस तरह से घुमाकर, नीट 3 टुगेदर, 2 बैक लूप। उसके बाद 5 फंदे अब ये उल्टे आएंगे, पर्ल 5 और नीट 1, क्योंकि एक फंदा हमने इसमें सीधा भी बुनना होता है। तो फ्रेंड्स इसी पैटर्न में अब हम जो है इन उल्टे फंदों को घटाते जाएंगे, और इस तरफ के फंदे हमारे बढ़ते जाएंगे, वैसे ही ये सीधे फंदे घटते जाएंगे और इस तरफ के उल्टे बढ़ते जाएंगे। तो ये सिलाई के बाद मैं आपको बताती हूँ आपने क्या करना है। अब ये फंदा हमारा सीधा आएगा, फिर 2 उल्टे और लास्ट फंदा हमारा सीधा आ जाएगा। तो ये हमने 9th रो कंप्लीट की, ये देखिए। अब फ्रेंड्स हम जो है इसी पैटर्न को रिपीट करते जाएंगे जब तक हमारे ये वाले उल्टे फंदे और ये वाले सीधे फंदे बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाते हैं। 3 का 1 करते हुए हम जब यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो ये हमारी 16 सिलाइयाँ हो जाएंगी, 16 रोज तक हम इस तरह से बनाते जाएंगे। कीप डिक्रीजिंग दीज स्टिचेस टिल 16th रो। तो हमने देखिए रो 16th तक बुन लिया है, ये हमारे फंदे कम होते होते 3 का 1 तक यहाँ पर रह गए हैं। अब जो हमने रो 1 बुनी थी उसमें हमने इस तरफ सीधे फंदे बुने थे और इस तरफ उल्टे, अब ये उल्टा हो जाएगा, ये वाले फंदे उल्टे आ जाएंगे और ये वाले फंदे सीधे आ जाएंगे, और बुनना हमने इसे रो 1 की तरह ही है। ये देखिए पहले फंदे को स्लिप किया, 2 फंदे उल्टे, अब ये एक फंदा सीधा, बीच के 12 फंदे उल्टे, जैसे हमने रो 1 में बुने था लेकिन इस तरफ को बुना था और इस तरफ सीधे बुने थे, तो अब ये इस तरफ आ जाएंगे उल्टे वाले। तो ये 12 फंदे उल्टे बुन लेंगे, स्लिप 1, पर्ल 2, 1, पर्ल 12,
दिस लीफ ऑफ गार्टर स्टिच विल शिफ्ट हीयर एंड दिस स्टॉकिनेट स्टिच विल शिफ्ट हीयर। तो अब हम ये उल्टे बुन लेते हैं फंदे और फिर उसके बाद फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे। ये देखिए नेट वन, फिर ये दो फंदे उल्टे पर टू नेट 14। अब ये 14 फंदे हम सीधे बुन लेंगे, तो ये 14 फंदे सीधे बुन लेते हैं नेट 14 पर टू नेट वन, फिर दो उल्टे और एक सीधा बुन लेंगे। और ये देखिए हमने ये रो पूरी बुन ली, और इसमें ध्यान रखिएगा कि कोई जाली नहीं बनेगी, नो यार्न ओवर इन दिस रो। अब हमने तीन सिलाइयाँ और जैसे ये बुनी थी 1 2 3 वैसे ही बुन लेनी है, वर्क 3 मोर रो जस्ट लाइक दिस। तो तीन ये और सिलाइयाँ बुनने के बाद अब हमारी जो है यहाँ तक 20 रोज 20 सिलाइयाँ हो चुकी हैं। अब 21st रो हम बुनेंगे, 21वीं सिलाई बुनेंगे। देखिए क्या हमने करना है यहाँ पे, ये अब पहले हमने यहाँ पे जाली बनाई थी और तीन का एक किया था, इस बार हम पहले इन फंदों को कम करते जाएंगे फिर यहाँ पे जाली बनाते जाएंगे। सिर्फ ये फ़र्क है कि हमने यहाँ पे जाली स्टार्टिंग में बनाई थी और अब हम जाली जो है वो बाद में बनाएंगे। तो चलिए फिर बनाते हैं इसे। अब क्या करना है, हमने पहले फंदे को स्लिप किया, ये हमारी 21वीं सिलाई है, 21st रो है। दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे पर्ल टू, अब ये एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, यहाँ पे हमने जाली अपनी बनानी है। अब इस तरफ हम 9 फंदे उल्टे बुनेंगे पर्ल 9 स्टिचेस, 4 5 6 7 8 and 9। अब देखिए ये हमारे जो तीन फंदे हैं, इन तीन फंदों का, ये देखिए तीन उल्टे फंदे हैं, इन तीन का हम नॉर्मल ऐसे फ्रंट लूप से तीन का एकत्र बुनेंगे, नीट 3 स्टिचेस टुगेदर ऐसे। और ये जाली जो हमने यहाँ पे बनाई थी, अब ये जाली हमारे इस एक फंदे के साथ बनेगी। देखिए ये एक फंदा यहाँ चल रहा था, अब ये एक फंदा यहाँ चलेगा, तो हम इस एक फंदे के साथ ये जाली बनाएंगे। फिर इस तरह से जाली बनाते हुए, क्योंकि अगले फंदे हमारे दो उल्टे आने हैं गैप वाले, तो इन फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। तो ऐसे हमने ये दो जालियाँ बना ली। अब इस तरफ हम 10 फंदे सीधे बुनेंगे, 10 स्टिचेस 1 2 4 5 6 7 8 9 10, 10 फंदे सीधे बुने। अब इन तीन फंदों का एक करेंगे, 4 फंदे हमारे बचे हैं 14 में से, जिसमें से हम तीन फंदों का एक करेंगे नॉर्मल बुनते हुए इस तरह से फ्रंट लूप से, फिर धागा आगे करके जाली बनाएंगे, इस फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे करके जाली बनाएंगे, और अगले फंदे क्योंकि उल्टे बुनने हैं तो हम धागे को इस तरह से लपेट कर इन दो फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तो यहाँ पे हमने ये 32 फंदे जो है बार बार रिपीट करते हुए ही ये पैटर्न को बनाते जाना है। अब देखिए रॉन्ग साइड से फिर हम जैसे बुन रहे थे वैसे ही बुनना है, हमने स्टार्टिंग से रो 2 से जैसे हमने बुनी है सारी हमने ऐसे ही सिलाइयाँ ये बुन लेनी है। तो ये हम पूरी रो बना लेते हैं। अब देखिए 23rd रो 23वीं सिलाई, उससे पहले ये देखिएगा, अब यहाँ पे ये हम बना चुके हैं। अब हमारे ये सीधे फंदे यहाँ पे शुरू होने हैं जो हम ये बनाएंगे, इस तरफ जाली में सीधे फंदे चलेंगे और ये वाली जाली में हमारे ये उल्टे फंदे चलेंगे, गार्टर स्टिच वाले चलेंगे। तो इसके लिए फिर से देखिए हम क्या करेंगे, एक सिलाई में बताऊंगी, फिर उसके बाद आपने जैसे हमने पहले किया था डिक्रीज करते गए थे फंदे वैसे ही करते जाना है। तो हम ये दो फंदे उल्टे बुनेंगे, ये एक फंदा सीधा, अब इस बार हमारे ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 फंदे उल्टे आएंगे एक सीधे के बाद 7 उल्टे, और फिर इन तीन फंदों का एक करेंगे। देखिए ये एक फंदा ये जो हम बुन रहे हैं इस तीन का एक कर देंगे इस तरह से तीनों का ऐसे। अब यहाँ पे जाली बनाएंगे, और क्योंकि ये हमारे सीधे फंदे बनने हैं, आप ये वाला बनना है यहाँ पे डिज़ाइन, तो इसमें हमने इन फंदों को सीधा बुन लेना है, सॉरी हमने जो है ये जाली बाद में बनानी है, पहले इस फंदे को सीधा बुन लेंगे। जाली हमने इस फंदे के आगे और पीछे ही बनानी है, जो ये बीच का फंदा है
तो ये जाली बना ली। फिर इस फंदे को सीधा बुनेंगे, अगले दो फंदे हमारे उल्टे आ जाएंगे। इसके बाद अब ये हमारे 8 फंदे सीधे आएंगे, यानी 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब फिर यहाँ पे 3 का एक नीट 3 टुगेदर थ्रू फ्रंट लूप। फिर एक फंदा पहले हमारा ये सीधा आएगा, सॉरी ये फंदा हमारा उल्टा आएगा, पर्ल दिस स्टिच ऐसे। अब यहाँ पे हम यार्न ओवर करेंगे, इस फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर से यहाँ पे धागा गिला के जाली बनाएंगे और इस फंदे को सीधा बुनेंगे। उसके बाद दो फंदे उल्टे, पर्ल टू, और फिर उल्टी सिलाई। उल्टी बुनने के बाद एक सिलाई आपको और बताऊंगी, क्योंकि अभी आपको सीधे उल्टे में कन्फ्यूजन होगा, इसलिए उल्टी सिलाई बुन लेते हैं, फिर एक सिलाई हम और बना लेंगे। अब देखिए 25th रो 25वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप करने के बाद ये तो दो फंदे उल्टे आएंगे, ये एक फंदा सीधा आएगा, इस बार हमारे ये 5 फंदे उल्टे आएंगे, पर्ल 5, 3, 4, 5। फिर धागा पीछे ले जाएंगे, इन 3 का एक कर देंगे, ये देखिए नीट 3 टुगेदर। अब दो फंदे सीधे आएंगे, अब फिर धागा आगे करके जाली बनाएंगे, एक फंदा सीधा, फिर से धागा आगे करके जाली बनाएंगे, दो फंदे ये सीधे आएंगे, फिर ये गैप के दो फंदे उल्टे आएंगे, अब यहाँ पे हमारे 6 फंदे सीधे आएंगे। इस बार पहले 10 थे, फिर 8 थे, अब 6 सीधे आएंगे। तीन का एक करेंगे, नीट 3 टुगेदर। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या करना है, ये फंदा उल्टा आएगा, ये अगला फंदा भी उल्टा आएगा। अब यहाँ पे इस तरह से धागा घुमा के जाली बनाएंगे, अगला फंदा सीधा बुनेंगे, फिर इस तरह से धागा घुमा के जाली बनाएंगे, ये एक फंदा उल्टा आएगा और ये वाला फंदा हमारा सीधा आएगा। मैं आपको बताती हूँ क्यों हम ये एक उल्टा फिर एक सीधा बुन रहे हैं। देखिए जब हम लीफ को इस तरफ से बुन रहे हैं, ये देखिए, तो हमारा ये एक फंदा सीधा चलेगा, ये वाला, ये जो सीधा चलना है एक बीच में उल्टे हैं, इसलिए हम ये वाला फंदा जो है इसको सीधा बुनेंगे। ये देखिए ये हमने सीधा बुन लिया है, अब फिर दो उल्टे और एक सीधा। तो फ्रेंड्स अब फिर जैसे हमने ये जो फंदे हमारे कम हो रहे हैं, ये जब हमारा फंदे 3 का एक ही रह जाएगा, मतलब कि इन ये सीधे फंदे एक ही रह जाएंगे और ये वाले उल्टे फंदे भी एक ही रह जाएंगे डिक्रीज करते हुए, जैसे हमने इस तरफ किया था, नीचे किया था, तो ऐसे ही हम इसको बनाते जाएंगे। तो ये हमारी 32 रोज 32 सिलाइयाँ बनेंगी, वर्क अप टू रो 32, तो 32 सिलाइयों तक अब जब हम बना लेंगे, ये देखिएगा, उसके बाद ये हमारा इस तरह से बनेगा पैटर्न। फिर भी अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरा व्हाट्सएप नंबर लेकर मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं अगर आपको इस पैटर्न में कहीं भी प्रॉब्लम आती है। तो फ्रेंड्स इस पैटर्न को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बनने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है और इसमें आपके हाथ में सफाई भी बहुत आती है, क्योंकि सीधे और उल्टे फंदों का पैटर्न है ये। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहिए चैनल से और देखते रहिए नए नए जो है आइडियाज़ आपके लिए मैं लेकर आती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।